राष्ट्रीय महामार्ग 53 नागपुर भंडारा महामार्ग पर बड़ौदा मौदा बोरगांव मारोडी ये बड़े गांव है। इन गांव से रोजाना सैकड़ों स्कूली छात्र और अन्य प्रवासी नागपुर भंडारा मौदा शहर में आवागमन करते हैं, लेकिन इन स्थानकों में एसटी बसेस नहीं रुकती थी, जिस कारण स्कूली छात्र समय पर नहीं पहुंच पाते थे। और इस समस्या को देखते हुए मौदा भाजपा शहर अध्यक्ष मुरेश्वर सुरती रमेश कुंभलकर, तालुका भाजपा अध्यक्ष चांगोजी तिजारे ने क्षेत्र के विधायक टेकचंद सावरकर को अवगत कराया। विधायक सावरकर ने तुरंत उप विभागीय अधिकारी मौदा और एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। विधायक सावरकर ने तुरंत उप विभागीय अधिकारी मौदा और एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। एसटी बसेस की ये समस्या इनमें से न्यूज द्वारा अनेक बार उठाई गई थी। मौदा एसटीओ कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक में एसटी महामंडल के अधिकारी और तालुका के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडी की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।